बी रिस्पॉन्सिबल एक बहुत गहरा मिथ है हम लोगों का कि हमें दुनिया की सारी खुशियां मिलनी चाहिए। बढ़िया बैंक बैलेंस हो, अच्छे सिक्योर्ड जॉब हो, एक अच्छे से फैमिली हो, बड़ा घर हो और भी न जाने क्या क्या। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हैं, हम डिजर्व भी करते हैं या नहीं, हम मेहनत भी करते हैं या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम बस इस धरती पर हैं, इस दुनिया में हैं, तो हमें सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन इस वक्त आप जिस भी कंडीशन में हैं, अच्छी या बुरी, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। यहाँ तक कि आपके पास किस तरह की कार है, उसके कारण भी आपके पिछले डिसीजंस ही हैं। और जब ब्लेम करने की बात आती है तो बॉस से लेकर घर वाले और दोस्त से लेकर जेब में पैसा ना होने तक हर चीज को अपनी कंडीशन की जिम्मेदारी देने में लपेट लेते हैं। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, E+R=O, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल टू आउटकम। चलिए इसको समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक देश के पड़ोसी देश से लड़ाई छिड़ गई, तो जैसे कि होता है मार्केट और दुकान में बिक्री घट सी जाती है, ऐसे ही एक लग्जरी कार शोरूम के मालिक के साथ भी हुआ। उसने रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर में और ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स दिए, डिस्काउंट ऑफर दिए, लेकिन उससे कुछ बात नहीं बन रही थी। उसने इस अचानक से आए इवेंट के लिए अपने रिस्पॉन्स को बदल लिया। उस डीलर ने अपनी बेहतरीन कारों को गोल्फ क्लब, पार्टीज, डिस्को क्लब और बाकी ऐसी जगह जहाँ अमीर अमीर लोग अक्सर जाते हैं बाहर खड़ा कर दिया और उन्हें फ्री टेस्ट ड्राइव दिए। अब आप सोचिए, आपकी पुरानी कार चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन एक ब्रांड न्यू कार के टेस्ट ड्राइव लेने के बाद जब आप अपनी पुरानी कार में बैठेंगे तो वही कार जो अब तक ठीक थी, अब आपको उसमें थोड़ी कमी दिखने लगेगी, थोड़ी कम ठीक लगने लगेगी। मार्केट में कुछ नया है और ज्यादा अच्छा है, ये बात आपको अफेक्ट करने लगेगी। उस डीलर ने भी यही किया, उसने अपना रिस्पॉन्स बदला और साथ में उसका आउटकम भी बदल गया। आपको जो भी मिल रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए, आपकी पसंद का है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और अपने रिस्पॉन्स को बदलिए। क्योंकि ये तो आपने भी सुना होगा, इफ यू कीप डूइंग व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल कीप गेटिंग व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। अगर आप वही करते रहें जो आप हमेशा करते आ रहे हैं, तो आपको मिलेगा भी वही जो आपको हमेशा से मिलता चला आ रहा है। हमारी दूसरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लैब और लाइक करिए हमारा फेसबुक पेज अवार्ड लूजिंग राइटर।